क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्द रचना पाठ में है। शब्द रचना मतलब शब्द को बनाना, नए शब्द हम कैसे बनाते हैं। मूल शब्दों में जब कोई शब्दांश का मतलब होता है पार्ट ऑफ वर्ड, ना कि पूरा शब्द। एक अंश, एक छोटा सा पार्ट एक शब्द में, मूल शब्द के मूल में, शब्द का मूल मतलब मेन शब्द में जब हम एक छोटा सा अंश जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। शब्द की रचना चार प्रकार से होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। आज हम पहले पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत अधिक कन्फ्यूज़न होता है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि उपसर्ग का उ और प्रत्यय का प में जब आप वर्णमाला पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है, उ आता है और प बाद में आता है, इसलिए उपसर्ग पहले जुटता है और प्रत्यय बाद में। अब परिभाषा, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर, मूल शब्द के, वह शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे हार, हार का अर्थ होता है माला या हार जाने वाला हार, लेकिन इसमें हम एक शब्दांश जोड़ते हैं प्र, तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है, ये हो जाता है प्रहार। प्रहार मतलब हमला करना। तो उपसर्ग वह शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द से पहले लगता है, जैसे हार से पहले क्या लगा है, प्र, और वो इसका मतलब अर्थ बदल देता है, एक नए शब्द की रचना कर देता है, यानी प्रहार, हमला करना। जन्म, जन्म में अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आजन्म, मीन्स पूरा जीवन भर, ठीक है। सेकंड स्टार्ट करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जस्ट ऑपोजिट, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। वह शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगता है और उसे उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जैसे सज जोड़ आवट, सजावट, लड़का लड़का में अगर हम पन लगा देंगे, पन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो ये हो जाता है लड़कपन। लड़का संज्ञा है लेकिन जब इसमें हम पन लगा देते हैं तो लड़कपन ये क्या हो जाता है, भाववाचक हो जाता है, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है। आप एक बार बहुत अच्छे से इसको रीडिंग करना और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको पूछना, और उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।